अभी कुछ ही देर पहले YouTube ने अपने पार्टनर प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए हैं। इस अपडेट के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इससे किसको नुकसान होगा और क्या ये कुछ क्रिएटर्स के लिए अच्छी न्यूज है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अगर आप क्या कैसे देखते हैं तो आपको पता होगा कि अप्रैल 2016 में बहुत सारे चैनल्स का रेवेन्यू गिर गया था और कई चैनल के वीडियोस डीमोनेटाइज हो गए थे। एडवर्टाइजर्स ने YouTube को ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने को कहा था क्योंकि बड़े ब्रांड्स की एड्स खराब कंटेंट पर चल रही थी। YouTube पर कई ब्रांड्स ने एडवर्टाइजिंग कुछ समय के लिए कम भी कर दी थी। ये था एडपोकलिप्स। आज ही YouTube की तरफ से एक नया ईमेल आया है जहां उन्होंने अपने पार्टनर प्रोग्राम का अपडेट दिया है। आइए देखते हैं। पहली चीज, अब अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरी चीज, अब आपके चैनल पर कम से कम 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए पिछले साल में। आइए ये ईमेल देख लेते हैं। ये है वो ईमेल जो मुझे मेरे चैनल विडोय के लिए मिली है और यहाँ पर वो बोल रहे हैं, टुडे वी आर अनाउंसिंग चेंजेस टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और क्या बदल रहा है देखिए, उन्होंने कहा है, अंडर द न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यूट्यूब चैनल विडोय इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन बिकॉज इट डजंट मीट द न्यू थ्रेशोल्ड ऑफ 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम विद इन द पास्ट 12 मंथ्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। ये देखिए, यहाँ देखिए आप मेरे चैनल के एनालिटिक्स देख सकते हैं और ये है लास्ट 365 डेज यानी कि पिछले 12 महीने का डेटा। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना वॉच टाइम दिखाऊं तो ये है मेरा वॉच टाइम और यहाँ पर एक साल में 55,938 मिनट्स देखे गए हैं। ये एक साइट है जो है unitconversion.org और यहाँ पर मिनट से घंटों में कन्वर्ट होता है। जब मैं यहाँ पर 55,938 मिनट्स डालती हूँ तो वो सिर्फ 932 आवर्स ही बनता है। हालांकि जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं वो फिलहाल 2200 से ज़्यादा हैं, फिर भी मैंने ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं किया और पिछले एक साल में मेरे 4000 आवर्स से कम वॉच टाइम है, इसलिए मेरे चैनल पर अब मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे मोनेटाइजेशन टूल्स और फीचर्स जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हैं वो मैं 20 फरवरी से लूज कर लूँगी और अगर मैंने अगले 30 दिन के अंदर अंदर ये वाला थ्रेशोल्ड सरपास नहीं किया तो ये सारे फीचर्स मुझे अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए मुझे 30 दिन का समय दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप या तो अपना वॉच टाइम फटाफट से बढ़ा लीजिए, नहीं तो मोनेटाइजेशन यहाँ से हटा दी जाएगी और ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। YouTube ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर भी इसके बारे में खुलासा किया है। नील मोहन जो YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं और रॉबर्ट किंसिल जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना थॉट प्रोसेस समझाया है कि आखिर इसकी क्या जरूरत है। ये है YouTube का ब्लॉग। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वो बोल रहे हैं, एडिशनल चेंजेस टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू बेटर प्रोटेक्ट क्रिएटर्स। कह तो वो यही रहे हैं कि ये क्रिएटर्स के लिए अच्छा होगा। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। 2017 marked a tough year for many of you. हाँ, 2017 हमारे लिए बहुत टफ था। With several issues affecting our community and the revenue earned from advertising through the YouTube partner program. Despite those issues, more creators than ever are earning a living on YouTube with a number of channels making over six figures up over 40% year on year. वो कह रहे हैं कि इश्यूज के बावजूद बहुत सारे क्रिएटर्स यूट्यूब से पैसे बना रहे हैं और ऐसे क्रिएटर्स जो $1,00,000 से भी ज़्यादा बना रहे हैं उनकी संख्या एक साल में 40% से ज़्यादा बढ़ गई है।
In 2018, a major focus for everyone at YouTube is protecting our creator ecosystem and ensuring your revenue is more stable. वो कह रहे हैं कि 2018 में जो focus रहेगा वो creator ecosystem पर रहेगा और इस चीज पर वो focus करेंगे कि हमारा जो revenue है वो ज़्यादा stable हो. Stable का मतलब ना ज़्यादा ऊपर जाए और ना ज़्यादा नीचे. Susan जो इनकी CEO हैं उन्होंने December में कहा था कि जो भी इश्यूज थे जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को 2017 में अफेक्ट किया उन्हें अब एड्रेस किया जा रहा है ताकि जो बैड एक्टर्स हैं यानी कि जो खराब लोग हैं वो हमारे इकोसिस्टम को और नुकसान ना पहुंचा सके और उनको ना नुकसान पहुंचा सके जो कि ओरिजिनल क्रिएटर हैं और जो अपनी लिविंग यानी कि अपनी इनकम यूट्यूब से कमाते हैं. तो अब YouTube जो है इस चीज़ पर फोकस करने वाला है कि मोनेटाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा और जो स्पैमर्स हैं इम्पर्सनेटर्स हैं और बैड एक्टर्स हैं कोशिश ये की जाएगी कि वो हमारे इकोसिस्टम को हर्ट ना करें और हमारा एडवांटेज ना लें. अब अप्रैल 2017 में जो पार्टनर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स थी वो थी 10,000 व्यूज़ यानी कि अगर आपके 10,000 लाइफ टाइम व्यूज़ हो गए थे तो आप मोनेटाइजेशन के हकदार थे और आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा थे. लेकिन अब वो जो है चेंज किया जा रहा है और अब ये क्लियर हो गया है कि अब YouTube को एक हायर स्टैंडर्ड की ज़रूरत है और आज से जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है मोनेटाइजेशन की वो 4,000 घंटे वॉच टाइम हो गई है जो कि आपको पिछले 12 महीने में ऑब्टेन करना है और 1,000 सब्सक्राइबर्स. We have arrived at these new thresholds after thorough analysis and conversations with creators like you. अब वो कह तो रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स से बात की है और उसके बाद फीडबैक लेने के बाद उन्होंने ये न्यू थ्रेशोल्ड डिसाइड किया है. खैर और आगे बढ़ते हैं. 20 फरवरी 2018 को ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रेशोल्ड और अभी फिलहाल हमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है और 20 फरवरी को जिनके भी 1,000 सब्सक्राइबर से कम है या 4,000 घंटे से वॉच टाइम कम है वो अब YouTube से पैसे नहीं कमा पाएंगे और एक बार वो ये वाला थ्रेशोल्ड रीच कर लेते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली फिर से इवैल्यूएट किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि क्या वो YouTube के नए क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई करते हैं उनकी पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करते हैं. जब भी नए चैनल ये क्राइटेरिया मीट करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा. अब वो ये कह रहे हैं कि हालांकि ये काफ़ी चैनल्स को अफेक्ट करेगा लेकिन 99% चैनल्स जो हैं वो $100 से भी कम बना रहे थे पर ईयर और पिछले साल उन्होंने $100 से कम बनाया और 90% ऐसे चैनल हैं जिन्होंने पिछले महीने $2.5 से भी कम बनाया यानी कि $2.5 से भी कम इनकम होती है 90% चैनल की. एनी ऑफ दीज चैनल्स हु नो लॉन्गर मीट दिस थ्रेशोल्ड विल बी पेड व्हाट दे हैव ऑलरेडी अर्नड बेस्ड ऑन आर एडसेंस पॉलिसीज. अगर ऐसे कोई चैनल हैं जिन्होंने ये वाला थ्रेशोल्ड अभी तक मीट नहीं किया तो जो भी एडसेंस की पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से उन्हें पे कर दिया जाएगा. अब ये थॉटफुल कंसिडरेशन के बाद ये विश्वास करते हैं कि ये जो भी कॉम्प्रोमाइजेज हैं ये हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी हैं. वो ये भी कह रहे हैं साइज अलोन इज नॉट इनफ टू डिटरमिन वेदर अ चैनल इज सूटेबल फॉर मोनेटाइजेशन यानी कि सिर्फ क्योंकि आपका चैनल बड़ा है या आप वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो भी उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मोनेटाइजेशन एनेबल्ड मिलेगी. और यूट्यूब जो है अलग अलग तरह के सिग्नल्स इस्तेमाल करेगा जैसे कि कम्युनिटी स्ट्राइक्स स्पैम और अदर अब्यूसिव फ्लैग्स इन सब को ले करके डिसाइड करेगा कि किसी वीडियो पर या किसी चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल होना चाहिए या नहीं. इसलिए आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस मोनेटाइजेशन के बेसिक्स उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस पॉलिसीज और जो गूगल एडसेंस की पॉलिसीज हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी पॉलिसी वायलेट की तो आपको YouTube के पार्टनर प्रोग्राम से हटाया जा सकता है. यहाँ पर लिखा है
कि आने वाले महीनों में क्रिएटर्स के साथ कॉन्वर्सेशंस शेड्यूल की जाएंगी ताकि वो सुन सकें कि हमारे आइडियाज़ क्या हैं और हमारे थॉट्स क्या हैं, ताकि ये जो चैलेंज है उसे टैकल किया जा सके. One of YouTube's core values is to provide anyone the opportunity to earn money from a thriving channel. वो कह रहे हैं कि YouTube चाहता है कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म से पैसे बना सके. और हालांकि उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमिटमेंट और उनकी वैल्यूज वही हैं. अब थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ. जो लोग YouTube की हिस्ट्री नहीं जानते, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि YouTube का पार्टनर प्रोग्राम साल 2012 से पहले काफी स्ट्रिक्ट था. YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एक्सेप्ट होना आसान नहीं था और काफी मेहनत लगती थी. लेकिन जैसे ही हर कोई पार्टनर बनने लगा, वैसे ही कंटेंट की क्वालिटी अफेक्ट होने लगी और हर तरह के बैड क्रिएटर्स ने इस इकोसिस्टम को खराब कर दिया. अब इतना सारा कंटेंट YouTube पर है कि उसे मैन्युअली मॉनिटर कर पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है. सच तो ये है कि YouTube को अगर सक्सेसफुल रहना है तो वो एडवर्टाइजर्स को नाराज नहीं कर सकता. अगर आप क्रिएटर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छा कंटेंट बनाइए, एंगेजिंग कंटेंट बनाइए जिसे आपके व्यूअर्स ज्यादा देखें और ज्यादा देर तक देखें. दूसरों को कॉपी मत करिए, इम्पर्सनेट मत करिए और ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करिए, स्पैम मत करिए. यूट्यूब का इकोसिस्टम तभी चलेगा जब क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और व्यूअर्स तीनों खुश हों. अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो व्यूअर्स कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, और व्यूअर्स नहीं होंगे तो एडवर्टाइजर्स भी यूट्यूब छोड़ देंगे. ऐसे में अच्छा कॉन्टेंट यूट्यूब की फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है. कुछ लोगों का कहना है कि ये मूव यूट्यूबर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं है. सॉरी, मैं इससे अग्री नहीं करती. अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं और मेहनत करते हैं तो आपका यूट्यूब पर फ्यूचर अच्छा है. पर यूट्यूब आपको सीरियसली लेना है या नहीं, ये तो आपको तय करना है.